ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग कहाँ पढ़े हैं? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या बोलता है भाई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म करेगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये तुम्हारा, हाँ अब ठीक, क्या बोलता है यहाँ पे कि यदि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करता है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जाहिर सी बात है कि यदि हम FeCN का होल सिक्स ले रहे हैं, FeCN का क्या ले रहे हैं, होल सिक्स है यहाँ पे, ठीक है, K4, FeCN का होल सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ हो गया 6, यानी कि 6 वैकेंट ऑर्बिटल Fe को तैयार रखना होगा, यानी कि तैयार रखा होगा तभी ये बॉन्ड बना है। बात समझ में आया? उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे पॉइंट की ओर, तो दूसरा क्या बोलता है कि दिस ऑर्बिटल विल बी जनरेटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ ये ऑर्बिटल जो जनरेट होंगे वो कैसे जनरेट होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो सेंट्रल मेटल एटम के हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तभी ये फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करें हम, उसके बाद बात करें तीसरा जो है वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड आर एकोमोडेटेड इन दीज वैकेंट ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है कि बॉन्ड बन रहा है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही है, तो जितना भी वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद रहेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। यानी कि यदि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, तो एक एक बॉन्ड के लिए, वन बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो कितना, 3 बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो रहेगा किसके किसके बीच में, मेटल्स के बीच में और लिगेंड्स के बीच, ठीक है, फॉर्म्ड करेगा बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विद द ऑर्बिटल्स ऑफ डोनर एटम कंटेनिंग लोन पेयर। यानी कि सिंपल बात है, वही बात है जो ऊपर से हम लोग कहते आ रहे हैं कि भाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ओवरलैपिंग करेगा, इसका ओवरलैपिंग होगा भाई, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स किसके होंगे, तो जाहिर सी बात है कि डोनर एटम जो रहेगा कंटेन किए हुए रहेगा लोन पेयर, उसका ऑर्बिटल्स के साथ होगा, यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे वो, और साथ ही साथ जो अपना डोनर एटम लोन पेयर को कंटेन किए हुए रहेंगे उसके साथ ये ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे कि एक हम एग्जांपल यदि हम यहाँ लेना चाहें, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये आ गया, ये इस तरीके से NH3, ठीक है, FeNH3 का होल थ्री, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि FeNH3 6, तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही ओवरलैपिंग भी होगा, उतना ही वैकेंट ऑर्बिट भी चाहिए, उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है कहाँ पे, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, तो हुआ क्या होगा भाई, और यहाँ पे कितने चार्ज हैं, +2, और ये है न्यूट्रल, ये क्या है न्यूट्रल, ये +2 किस पे आ गया है आपका, Fe पे, यानी कि बेसिकली ये फॉर्मेशन कैसे कब हो रहा है, जब Fe +2 में है। क्या करेंगे हम लोग, कैसे ये हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, Fe का क्या कितना होता है आपका 26, तो क्या हो जाएगा ये 3d6 और 4h2, ठीक है, और Fe+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल गया, निकलने के बाद 3d6 और 4s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हम लोग पहले थोड़ा सा सिनर्जिक बॉन्डिंग जो ऊपर आया था वो वाला जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे ही ये आपका जो था, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या कि यदि लिगेंड जो है वो क्या कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और यदि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ और वो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं।
सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं, ये हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। खैर फिर से हम लोग यहाँ आते हैं, 3D कितना हो गया, 6 हो गया। अब 3D 6 का मतलब डी में 5 ऑर्बिटल है, तो ये देखे 5, 1 2 3 4 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, जैसे रूल होता है 1 2 3 4, उसके बाद ये हम लोग फिलअप कर दिए, तो 4s खाली है, 4p खाली है। अब NH3 जो है, ठीक है, ये जो आपका NH3 है लोन पेयर के साथ, ठीक है, ये यहाँ पे किस तरीके से एक्ट कर रहा है, लिगेंड के तौर पे, और लिगेंड ये जो है, ठीक है, अब लिगेंड भी दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं SFL और एक को कहते हैं WFL। SFL को कहते हैं स्ट्रॉन्ग चेन लिगेंड और WFL को कहते हैं वीक चेन लिगेंड। तो आपको याद होगा हम बताए थे कान नाक और हाथ, कान नाक और हाथ, याद है, तो क्या बताए थे, ये है कार्बन वाला, कार्बन डोनर, ठीक है, नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, और ये हैलोजन, हैलोजन डोनर। तो ये जो रहते हैं ये किस में आ जाते हैं, SFL में, इसमें आएंगे SFL में, और ये जो बच गए ये किस में आ जाएंगे, WFL। तो ये नाइट्रोजन डोनर बेटा किस में आ रहा है आपका, SFL में, स्ट्रॉन्ग चेन लिगेंड में। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि ये NH3 जो है वो किस में आता है आपका, स्ट्रॉन्ग चेन लिगेंड में, और अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, ठीक है, पेयरिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे क्या होगा आपका, सॉरी, अगेंस्ट हुंस रूल। हुंस रूल में क्या होता है कि ये हम लोग इस सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, इसका पेयरिंग करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण यहाँ पे पेयरिंग देखने को मिलता है। और ये क्यों ऐसा पेयरिंग हो रहा है और किसी में पेयरिंग नहीं हो रहा है, ये वाला सारा चीज जो हम लोग है वो आपका SFL, सॉरी, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग वाला जो हम लोग देखेंगे थ्योरी, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगेंस्ट हुंस रूल के जा रहा है। आगे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो यहाँ पे फिर किस तरीके से होगा, यहाँ पे कितने NH3 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग, पेयरिंग होने के बाद ये नजर आएगा, ठीक है, आफ्टर पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग, ठीक है, ये नजर आएगा। उसके बाद क्या खाली है, तो 2 ये खाली है, S खाली है, और 3 4P खाली है। तो उसके बाद NH3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जिससे ये किसका फॉर्मेशन होगा, D2SP3। और इन सभी का नाम हो जाएगा, हर एक का नाम अलग अलग हो जाएगा, पहले ये 3D था, ठीक है, ये 4S था, ये 4P था, ठीक, लेकिन अब हम लोग इसको कहेंगे D2SP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका भी नाम हो जाएगा D2SP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, D2SP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये बेसिकली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें सिमिलर एनर्जी होता है, ये सारा कुछ हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और फॉर्मेशन किसका किया, D2SP3 का। और ये बात ध्यान में रखना है कि यदि WFL रहता, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड यदि प्रेजेंट रहता तो पेयरिंग नहीं यहाँ पे देखने को मिलता, और यदि पेयरिंग नहीं होता तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाता, न कि d2sp3, ठीक है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग जान हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपने पता है, ठीक है, बाय नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यदि अपने को क्या पता है, हाइब्रिडाइजेशन उसका पता है, यानी sp3d2 d2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर पता है सेंट्रल मेटल एटम का, तो हम लोग उसके ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखें, सपोज दैट, जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यानी कि लिगेंड जो रहेंगे वो या तो क्या हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकते हैं, मोनोडेंटेट। यदि बाइडेंटेट होंगे तो एक ही लिगेंड की जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में, और यदि मोनोडेंटेट रहेंगे तो 2 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ML2, ठीक। और यहाँ पे अपने को क्या हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, प्लस माइनस एन, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी, एन हम लिख रहे हैं। तो बेसिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लीनियर, और जिसमें पार्टिसिपेशन जो हो रहा है ऑर्बिटल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि पी में भी जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा पी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, डी में जो है वो डी भी कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है डी का, ठीक है, तो वो जानकारी होना जरूरी है। IIT एडवांस में खास करके उससे रिलेटेड, ऑर्बिटल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑर्बिटल, खास करके डी का भी कौन सा, ठीक है, पी का कौन सा, वो पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से हम देखें, SP जब हो रहा है तो S तो फिक्स रहेगा, पी का PX, PY और PZ कोई भी हम लोग ले सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, एज यूजुअल केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग पढ़े। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, ML3 प्लस माइनस N, ठीक है। स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2
और स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रेंगुलर प्लेनर की तरह होगा, यानी कि एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन करेगा ये इस तरीके से, ठीक है, ट्रेंगुलर प्लेनर इसको कहते हैं। और इसमें जो रहेगा क्या क्या हो सकता है, तो एस के साथ पी एक्स और पी वाई होगा, और यदि पी एक्स पी वाई होगा तो ये एक्स वाई प्लेन पे तुम्हारा होगा, ठीक है। एस के साथ वाई और जेड भी हो सकता है, तब ये वाई जेड प्लेन पे कहलाएगा, और एस के साथ ये पी एक्स और पी जेड भी हो सकता है, तब ये वाई जेड प्लेन पर कहलाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन पी का जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका प्लेन भी लेना पड़ेगा, यानी कि पी का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वही आपका प्लेन भी होगा। इज दैट क्लियर? और आगे देखते हैं। अब यदि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें दो प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ml, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ml प्लस माइनस n, इसका दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो मतलब दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जा सकता है। एक को कहेंगे DSP2 और एक को कहेंगे SP3, ठीक है। यदि DSP2 होता है तो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर एज यूजुअल लाइक केमिकल बॉन्डिंग, और SP3 यदि होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। हाँ, अब इसमें किसका किसका पार्टिसिपेशन होता है, तो S, PX, PY, याद रखेंगे PX और PY करता, PZ इसमें नहीं रहता है। और उसके बाद DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, D का क्या क्या होता है, DXY हो जाएगा, DYZ हो जाएगा, DXZ हो जाएगा, ये होते हैं, साथ ही साथ DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ठीक, और क्या हो जाएगा, DZ स्क्वायर, कितना आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें ये वाला ही ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो इसको याद कैसे रखेंगे, आखिर यही क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए ये एक्स प्लेन पे है और ये वाई प्लेन पे है, तो ये वाला भी आपको एक्स मिल रहा है और वाई, यानी एक्स वाई प्लेन पे ये आपको नजर आएगा, ठीक है। एक्सियल ऑर्बिटल है ये, डी का एक्सियल वाला है, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं, ठीक है, क्या होता है, नॉन एक्सियल, इज दैट क्लियर। आगे भी हम लोग देखेंगे, तो याद रखने का तरीका, ये पी एक्स और वाई है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टेट्राहेड्रल में भी हम जाएंगे तो एस पी एक्स पी वाई और पी जेड, इसमें कोई भी चक्कर नहीं। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव में हम सारा ऑर्बिटल्स बता रहे हैं कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव में क्या हम लोग लेंगे, एम एल फाइव प्लस माइनस एन, तो इसमें भी दो तरीके से आपका होगा। सबसे पहला वाला जो होगा वो एस पी थ्री डी होता है, जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है, एस पी थ्री डी ये आपको मिलेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये हो जाएगा आपका DSP3, जो कि आपका स्क्वायर पिरामिडल बनता है। इसका आपका शेप कैसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा, सॉरी ये वाला, इसका इसका शेप कैसा होगा स्क्वायर प्लेनर का, ये इस तरीके से, ठीक है, बीच में M, ये स्क्वायर प्लेनर जो है वो आपका शेप नजर आएगा। टेट्राहेड्रल कैसा होगा, ये ऐसा ऐसा नजर आता है, ये बीच में सिंपल मेटल एटम रहे, ठीक है, ये ऐसा ऐसा नजर आता है, ठीक, ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब ये जो ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल, ये एक ट्रेंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ट्रेंगल बनेगा, और ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे मेटल यहाँ पे, और ये ऐसे, यानी ये ऐसे रहेगा एक ट्रेंगल, और ऊपर से पिरामिड बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये बनता हुआ नजर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद DSP3 में क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि ये इस तरीके से एक स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे ये ऐसे करके रहता है, ठीक है, यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी लिगेंड, और यहाँ भी लिगेंड। अभी सबका स्ट्रक्चर हम फिर से दिखाने वाले, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की बात करें इसका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की बात करें तो ये भी दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको देगा। सबसे पहले जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, D2SP3, और दूसरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, SP3D2। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं S, PX, PY, PZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। याद रखने का तरीका, X और Y यहाँ है, X और Y यहाँ है, और Z यहाँ है, तो DZ स्क्वायर, क्यों, ये सब एक्सिस पे हैं, ये एक्सिस पे हैं, और ये वाला भी जो होता है वो भी एक्सियल होता है, वो भी एक्सियल होता है। और ध्यान में रखना कि यहाँ पे खास बात यह है ना कि D जो रहता है वो N-1 वाला इस्तेमाल होता है, डी जो भी इस्तेमाल होगा वो n-1, ठीक है, सो nth सेल
यानी कि एस और पी जो रहेगा वो एनएच मान के रखेंगे, यानी कि सपोज दैट 4s है, ठीक है, कितना हो रहा है आपका 4s हो रहा है, तो ये वाला क्या इस्तेमाल होगा आपका 3d, कौन सा इस्तेमाल होगा आपका 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3d जेड स्क्वायर, ये इस्तेमाल होता है, इज दैट क्लियर। और ये रहेगा एनएच, और यदि इधर की ओर हम चले जाएं तो इसमें भी पी एक्स पी वाई पी जेड डी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, यानी कि सेम जो है वो पार्टिसिपेशन इस बार देखने को मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर पार्टिसिपेशन, अच्छा खास बात ये भी है, इसका एस हो पी हो या डी हो सबका सब एनएच सेल का होगा, सबका सब किसका होगा एनएच सेल का, और इसमें डी क्या था एन माइनस वन, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन दोनों में निकल करके आ रहा है। अब देखेंगे जैसे इसमें क्या रहेगा, यानी कि इसमें जो ये क्या रहेगा एन एस और ये एन पी, लेकिन इसमें अंदर वाले में क्या होगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा डी वाला जो एक पहले रहेगा, जैसे मान लीजिए फोर एस है ये फोर पी, तो ये क्या रहेगा आपका थ्री डी बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑर्बिटल ये दो तीन चार पाँच और ये सिक्स वाला, ठीक है, और यदि ये रहेगा तो इसका एन एस यानी एस भी इसी का रहेगा, पी भी इसी का और डी भी इसी का, तो ये इस तरीके से जाएगा, इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा डी टू, ठीक है, एस और पी क्या हो गया थ्री, तो हाइब्रिडाइजेशन का डी टू एस पी थ्री और यहाँ पे एस, ठीक है, पी थ्री और ये डी टू, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री डी टू। अच्छा इसी को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया, इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाई कॉल्ड इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन, और इसको क्या कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल इसके आउटर वाले पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ठीक है। इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यदि हम बात करें इसमें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, लेस मिलेंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे इसमें लेस, ठीक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे आपको ज्यादा मिलेंगे, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट यदि बात करें तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन, और एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाता है, ठीक है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो मतलब ये हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस बता दे रहे हैं किसके बारे में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, ये वीकली पैरा और डाइमैग्नेटिक होता है, ठीक है, वीकली पैरा और डाइमैग्नेटिक जनरली आपको देखने को मिलता है, और ये वाला आपको पैरा मैग्नेटिक ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको पैरा मैग्नेटिक ही देखने को मिलेगा। जनरली ये कब होता है फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ अभी देखिए ये बात जो आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो अभी पहले पढ़े कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है पियरिंग, ठीक है। अब जैसे पियरिंग होगा तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम नजर आएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम नजर आएंगे तो जनरली आपको क्या नजर आएगा ये डाइमैग्नेटिक नजर आएगा, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे WFL है तो नो पेयरिंग, अब पेयरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आएगा और पैरामैग्नेटिक भी ये ज्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सेम वही लाइन दोहरा रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगेंस्ट होम रूल और नो पेयरिंग इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड दैट इज कॉल्ड WFL बाय नोइंग, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है सेम चीज वही पॉइंट को फिर से आया है ये वाला, यदि अपने को पता है हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का तो हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर से ये पॉइंट हम लिख दिए हैं एक बार आपको, लेकिन ऊपर वाला यदि आपको समझ में आ गया है कोऑर्डिनेशन नंबर दो एस पी लीनियर थ्री एस पी टू ट्राइगोनल पिरामिडल सॉरी प्लेनर फोर एस पी थ्री भी हो सकता है डी एस पी टू भी हो सकता है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ये सब वही रिपीट हो रहा है जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। बस यही खास बात है कि ऊपर में हम ये भी बताए हैं कि जो डी है वो कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है, और यदि डी टू है तो उसमें भी डी जो है वो दोनों कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या नजर आ रहा है ये वाला चीज जो हम लोग अभी तुरंत भी बात किए, यदि कॉम्प्लेक्स तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें, कॉम्प्लेक्स में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर कहलाएगा,
मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का यह फॉर्मूला। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो क्या होगा, वो इजिली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ सी बी का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ध्यान में रखना है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन कौन सा होता है, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर, जिसके लेस लेस ईएन होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। WFL कौन होता है, ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है। तो WFL जो रहता है लिगैंड, ये कैसा रहता है, इजिली डोनेट नहीं करता है, ठीक है, और ये आसानी से कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यदि हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से डोनेट करेगा, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, और इसके बाद ये बेसिकली क्या हो जाता है आपका, WFL में आ जाता है, ये WFL में आ जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर यदि हम बात करें, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर क्या है भाई, लिगेंड का ऑर्डर, ठीक है, ये लिगेंड का क्या है ऑर्डर है, आई माइनस सबसे कम होगा, बी आर माइनस, एस सी एन, सी एल, ये पूरा ऑर्डर, ठीक है, ऑक्सीलेटो, एसीटेट, ठीक है, वाटर, उसको एक्वा कहते हैं, और कार्बोनिल जो होगा सीओ, सबसे स्ट्रॉन्ग ये माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। उसके बाद साइनाइड, तो याद करने का क्या तरीका बताए हैं, आई इतना बुरा, ठीक है, इतना बुरा था कालू सामू नाई, ठीक है, इतना बुरा था कालू सामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे, ठीक है, ऐसे एसीटेट, ऐसे पानी भरा जैसे, तो ये भरा जैसे को आपको नहीं लेना है, हटाना है, पानी भरा जैसे। उसके बाद NCS, नीलचंद सेट्टी, ठीक है, नीलचंद सेट्टी, अमन एमोनिया, ठीक है, अमन पिरिडीन पाने, अमन पाने, इन दिनों इथिलीन डाईएमाइन, इन दिनों डाईफेनाइल, ठीक है, सॉरी डाईपिरिडीन, इन दिनों, ठीक है, नौ एन ओ, नो सेना, सी एन सेना, कोट गया, ठीक है, नौ सेना कोट गया, क्या बोल रहे हैं फिर से, इतना बुरा था कालू सामुनाई, फूले हाथ उसके ऐसे पानी भरा जैसे, ठीक है, नील चंद शक्ति अमन पाने के लिए इन दोनों नौसेना कोट गया। तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ है, SMT, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, ठीक है, जिससे आप उसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन कैसे कैसे ये काम कर रहा है वो देखना आपको जरूरी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर टू, कुछ एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे, AgNH3 का होल टू, AgCN होल टू, ठीक है, AgH2O3 होल टू। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, इसका लीन SP होगा, सिर्फ कैसा होगा, लीनियर। कैसे करेंगे, जैसे इसका निकालते हैं तो Ag का एटॉमिक नंबर होता है 47, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे, ठीक है, प्लस चार्ज है यानी कि ये न्यूट्रल होता है, पूरा प्लस किस पे आ जाएगा इस पे, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस होता है -1, यानी कि -1 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू -1, और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, +1 चला आ जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका +1, और H2O2 का भी इसका भी निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग करेंगे तो इसका प्लस Ag+ का निकालेंगे, Ag+ के ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करो तो क्या हो जाएगा, 5s0, तो 4d10 है, यानी कि सबका सब इसमें पहले से भरा हुआ है, खाली क्या रहेगा, 5s और 5p क्या रहेगा, 5s में आ गए तो 5p भी होगा, ठीक है, 5p भी 0 लिखेंगे, 5d भी 0 लिखेंगे, 5f भी 0 लिखेंगे, लेकिन अपने को क्या काम है, केवल p का, तो ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इसी को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें इनर्जी, ठीक है, शेप, ठीक है, साइज सब क्या रहेंगे, बराबर होता है, और लिगेंड इधर से आया, ठीक है, इधर से आया, अपना बॉन्ड बनाया और किसका फॉर्मेशन किया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये NH3 है तो NH3 इधर से भी आएगा और NH3 इधर से भी आएगा और फॉर्मेशन करता है। आगे यदि हम देखें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, एकदम सब आसान, एकदम कुछ कुछ एक्सेप्शन केस है वो बताएंगे, बाकी सब आसान, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन नहीं है जो कि आपको याद रखने में तकलीफ देगा। उसके बाद यदि हम बात करें,
कोऑर्डिनेशन, दूसरा केस हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से रिलेटेड है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एग्जांपल दी HgI3-, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का sp2, ज्योमेट्री क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। उसके बाद HG का होता है HT, कॉन्फिग्रेशन ये हो जाएगा, HG+2 में आएगा, ठीक है। +2 में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, 6s क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा फुल है 6s, और उसके बाद क्या ले लेंगे 6p भी क्या रहेगा 0, तो दोनों को इस्तेमाल करेंगे, यूज में लाएंगे, क्योंकि लिगेंड कितने हैं और तीनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, आएंगे अपना आराम से इसमें शामिल हो जाएंगे तीनों में, और ये हाइब्रिड को क्या कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा, और फॉर्मेशन करेंगे किसका, HgI3 का। और इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से ट्रेंगुलर प्लेनर देखने को आपको मिलता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है वो चालू हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो sp2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है sp3, ठीक है। sp2 में क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, और sp3 में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जो BVI केस होता है एक निकल का होता है, ठीक है, निकल का केस हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, निकल जो है, ठीक है, निकल जो है यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, NaCl4-2, तो Cl4 का मतलब क्या हो गया कि ये -1 × क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा, -1 × 4 हो जाएगा, और एक्स का आपको निकालना है, और -2, तो -4 इधर है जाएगा उधर, और ये -2 है तो क्या हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इसका निकालिएगा तो इसका भी +2 आएगा, और इसका निकालेंगे तो 0, क्योंकि कार्बोनिल 0, कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं जेड होता है 28, क्या हो जाएगा 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद 3d8 ऐसे नजर आएगा, 4s2 ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस कंपाउंड के लिए यदि हम बात करें, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए बात करें तो क्या नजर आएगा आपको, सबसे पहले अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये +2 में है तो +2 में यदि 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन Cl आपका क्या है, हेलोजन है, हेलोजन है यानी कि WFL है, वीक फिल लिगेंड है यानी कि नो पेयरिंग, ठीक है, नो पेयरिंग यानी पेयरिंग इसमें नहीं होगा, यानी कि जो Cl4 है वो अगले वाले चार में आएंगे, तो अगला 4 कौन सा इस्तेमाल होगा, 4s और 4p, और ये बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या होगा, यस देखने को मिलेगा आपको किस तरीके का सिमेट्री, sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल, और पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n बराबर क्या निकला आपका, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो μ = क्या हो जाएगा, √8 Bm4 मैग्नेट्रॉन देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा इस तरीके से, दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगा। और खास बात, ऑल NaCl बॉन्ड आर क्या यस आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल लिखा है, सारा NaCl बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल, सब एक समान, तो ये देखने को मिला। अगला एग्जांपल, अगला ये लेते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है CN का होल 4 वाला, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, अब Ni+2, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं, और उसके बाद फिर पेयरिंग कर दिए, तो पेयरिंग करने के बाद आपको ऐसा नजर आएगा, और खाली तो ये वाला चारों जो है हम लोग हटाएंगे, मिलाएंगे, और क्या बनेगा, 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ सब जाएगा, और जा करके क्या बनाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, डाई मैग्नेटिक, μ = 0। नोट, खास बात ये करना है कि इन कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में सेम कंपाउंड यदि रहता है, यानी कि केवल क्या हो जाएगा, NaCN का 6-2, तब इसमें पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि DSP3D टाइप का हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि यदि यहाँ पे CN, Ni, ध्यान से इम्पोर्टेंट, ध्यान से Ni, ठीक है, CN का होल 6 और ये रहा -2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यदि हम लोग देखें 6 तो SFL है ये, ठीक है, SFL है, तो ये क्या होगा आपका, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाने के बाद इसी तरीके से बचेगा, ठीक है, तो पेयरिंग करवाने के बाद इसी तरीके से बचेगा, तो अपने को 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 ऑर्बिटल से भी चाहिए अपने को, ठीक है, 6 ऑर्बिटल से भी अपने को चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 1, ठीक है, 2, 3, 4,
पांच और डी वाले को भी लेना पड़ेगा, डी जो यहाँ डी वाले का है उसको भी लेना पड़ेगा, तो टोटल छः। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डी एस बी थ्री और ये डी, और डी एस बी थ्री डी, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे तब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, एकदम इस बात को ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईवीआई तो पेयरिंग करवा दीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डी एस बी थ्री डी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। और ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन आया है, डी एस पी टू दैट इज स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर आया है म्यू डाइमैग्नेटिक म्यू जीरो स्ट्रक्चर, ऐसा आपको नजर आएगा। ठीक है, तीसरा यदि हम लोग कार्बोनिल के साथ ये जीरो, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड एस एफ एल है, वेरी स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, एन आई जो है इसी तरीके से रहेगा। अब खास बात की ये दो जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ, ये आपस में पेयरिंग नहीं होंगे क्योंकि आपस में पेयरिंग होंगे तो एक खाली रह जाएगा, फिर वैसा कोई फायदा ही नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के ये यहाँ पे और अगला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे, तो फिर कैसा बनेगा आपको, ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एस खाली हो जाएगा, पूरा पी खाली रहेगा, यानी कि कंप्लीट आपको क्या नजर आएगा, ये हम बात करें एक, ठीक है, दो तीन चार, ऐसा ये था एस वाला, ये पी, ठीक है, पी और ये पी, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, हो रही है ना, हाँ ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबका सब सीओ वाले आएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये डी एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, डी एस पी टू इसको भी क्या कहेंगे, डी एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनाइन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल एक्टिंग एज अ लिगेंड। ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकल इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कार्बोनिल एक्टिंग एज ए लिगेंड दैट इज ए बीटेन। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है और पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पेयरिंग होने के बाद ये डी टेन की तरह इस्तेमाल होगा, कैसा इस्तेमाल होगा, डी टेन की तरह। ठीक है, जैसे डी टेन में इस्तेमाल होता है, तो देखिए यहाँ पे फिर वही बात जो हम बताएं वहाँ पेन से, ये खाली रहेगा, चारों इसमें आएंगे कार्बोनिल। ठीक है, चारों कार्बोनिल इसमें आएंगे और उसके बाद एस पी थ्री, सॉरी क्या हम बोले थे, डी एस पी टू गलती से बोल दिए थे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एस पी थ्री होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, एस पी थ्री। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले सारे इस्तेमाल हो रहे हैं ना, क्या होंगे, एस पी थ्री टेट्राहेड्रल डाइमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात समझ में आए, और इसको क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर वाला पार्ट ले रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, मेरा लैपटॉप कभी भी जो है वो बंद हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा चार्ज,